नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्य को आप देखेंगे, मंच पर खड़े होकर अपने अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाना, राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर जो वक्तव्य दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो सब हमारे दोस्त ही हैं, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। मंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत करीब है, ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल प्रशांत किशोर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा पर निकले हैं और इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमलावर होते हुए नजर आए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, कुछ भी उलूल जुलूल बोलते हैं, स्टेज पे खड़े होके अफसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, सीरियस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी बीजेपी को अपना सबसे करीबी दोस्त बना देते हैं तो कभी कुछ कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो राजनीतिक दाव है वो अब खत्म होने वाला है, अब उनका राजनीति में अंत आने वाला है। दरअसल प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये सारी बातें कही हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब भी कोई सीरियस सवाल करता है तो वो अजीब बिहेव करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उस सवाल को ही वो घुमा देते हैं या फिर उस पर जवाब नहीं देते हैं। साथ ही साथ कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सबसे पुरानी दोस्त है उनकी, वहाँ पर जितने लोग हैं वो उनके पुराने दोस्त हैं और दोस्ती कभी खत्म होती नहीं है। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि एक तरफ जहां आप महागठबंधन की सरकार बनाए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़कर आते हैं, बयानबाजी देते हैं और फिर अचानक से आप उसे अपना दोस्त बताते हैं। किशोर का आगे कहना है कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है और उम्र होने के कारण नीतीश कुमार इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। चलिए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर, किस तरीके से उन पर वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को। नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्य को आप देखेंगे, मंच पर खड़े होकर अपने अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाना, राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर जो वक्तव्य दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो सब हमारे दोस्त ही हैं, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, आप उस भाषण को सुनिए। राष्ट्रपति के सामने एक औपचारिक कार्यक्रम में जिस तरह से वो भाषण की डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने घर में बैठ के भूंजा खाते हुए बात कर रहे हैं लोगों से। तो कहीं ना कहीं ये उम्र का असर है और कहीं थोड़ा बहुत अहंकार भी जो है कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी बात के सीरियसनेस को हल्के में उड़ा देना। अरे इसको कुछ आता है, नीतीश कुमार का तकिया कलाम, अरे किसको इसको कुछ आता है, अरे भाई किसी को कुछ नहीं आता है, आपको तो आता है, आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप कृपा करके इसको सुधारिए। अगर आप ही को सब आता है तो फिर बिहार देश में सबसे पिछड़ा और गरीब क्यों है, ये बता दो। देखिए नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत समझदार होशियार हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। बिहार में हजारों लोग उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उनसे ज्यादा समझदार हो सकता है। और जो भी राजा की कुर्सी पर बैठता है, हम लोग के अपने शास्त्र ये बताते हैं कि जो राजा लोगों से विचार विमर्श सलाह मशवरा छोड़ देता है उसका पतन निश्चित है। तो जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको किसी से पूछना चाहिए, बात करना चाहिए। नीतीश कुमार में आज जो परेशानी है कि उन्होंने लोगों से बातचीत करना, सलाह लेना छोड़ दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम ही को सब आता है, इसीलिए उनकी ये दुर्दशा है।